नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। उत्तर कोरिया में भूकंप जैसे झटके, परमाणु परीक्षण का संदेह। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने शायद आज अपना पांचवा परमाणु परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के प्राधिकारियों की ये टिप्पणी उत्तर कोरिया के प्योंगी री परमाणु परीक्षण स्थल पर 5.3 तीव्रता के भूकंप का पता चलने के बाद आई है। उत्तर कोरिया आज अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है। देश की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। योनहैप समाचार एजेंसी के अनुसार सोल की मौसम एजेंसी ने यह भी कहा है कि अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया भर में भूकंप की जांच करने वालों ने जिस भूकंप का पता लगाया है वो संभवतः उत्तर कोरिया का पांचवा परमाणु परीक्षण था। कांग्रेस का मोदी पर हमला, नहीं निभाया वादा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने को लेकर हमला किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश के लोगों का अधिकार है। यूपीए सरकार के दौरान विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। दिग्विजय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी मामलों के प्रभारी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्य के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। पाक अफगान सीमा से मिला बलूचिस्तान के मंत्री का बेटा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मंत्री के अपहृत किशोर पुत्र को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से बरामद कर लिया गया है। कुछ हथियारबंद लोगों ने इस साल के मई में इस किशोर का अपहरण कर लिया था। असद तरीन को किला अब्दुल्ला जिले के डोलांगी इलाके से कल बरामद कर लिया गया। 20 मई को पिशीन जिले में कॉलेज से घर लौटते समय असद तरीन का अपहरण कर लिया गया था। असद बलूचिस्तान के स्थानीय प्रशासन मंत्री सरदार मुस्तफा तरीन का बेटा है। असद को कड़ी सुरक्षा में क्वेटा भेज दिया गया है।